अगर आपको लगता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम है तो मेरे दोस्त आपको बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ये देखो, ये पास्ता जितना डिलीशियस दिख रहा है बनाना भी उतना ही आसान है, यकीन नहीं हो रहा है? अरे सच कह रहा हूँ भाई, देसी इंडियन फूडोलॉजी का काम यही है, मुश्किल दिखने वाली रेसिपीज़ को आसान बनाना। ये पास्ता हम घर पर मिलने वाले अपने देसी इंग्रेडिएंट से ही बनाएंगे। चलो फिर आसान भाषा में सीखते हैं पास्ता बनाना देसी इंडियन फूडोलॉजी के साथ। पास्ता बनाने के लिए आपको बहुत ही बेसिक सब्जियां और कुछ बेसिक मसाले चाहिए, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, चीज़, बॉयल कॉर्न, बटर, मैदा, लहसुन और कुछ बेसिक मसाले जो कि आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमें पास्ता को उबालना है, तो इसके लिए लगभग 1 लीटर पानी गैस पर चढ़ा दें और पानी के उबाल आने का वेट करें। उबाल आने पर इसमें डालें 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल। तेल पास्ता को आपस में चिपकने से बचाएगा। मेरे पास लगभग 2 कटोरी या फिर 150 ग्राम पास्ता है, तो इसे उबाल लेते हैं। लगभग 5 मिनट में ये पास्ता उबल कर तैयार हो जाएगा। तो जी, पास्ता उबल गया है। अब इसे स्ट्रेनर में छान ले और तुरंत इस पर ठंडा पानी डाल दे ताकि इसकी कैरी ओवर कुकिंग रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो। पास्ता के लिए कुछ मसालों का मिक्सन तैयार करना है, तो इसमें लगभग 1.5 चम्मच ऑरेगेनो डालें, 1/2 चम्मच काली मिर्च और लगभग 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। चलो अब सब्जियों को सॉटे कर लेते हैं। फिर एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म होने पर डालें लहसुन और लगभग 20 सेकंड के लिए सॉटे कर लें। फिर डालें गाजर, शिमला मिर्च और प्याज और इन सबको लगभग 2 से 3 मिनट तक सॉटे कर लें। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें हल्की सी बाइट रहना चाहिए ताकि जब ये पास्ता के साथ आप इसे खाएं तो हल्का सा क्रंच इसमें बरकरार रहे, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सब्जियां सॉटे हो गई है, अब इन्हें पेन से बाहर निकालते हैं। चलो अब सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। एक पेन को मीडियम हीट पर गर्म करें और इसमें डालें 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर। बटर यहाँ बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे स्किप ना करें। बटर को मेल्ट होने दें। तो जी, बटर मेल्ट हो गया है। अब डालें 2 चम्मच मैदा और सबको मिक्स कर ले। हमें मैदे का कच्चापन निकालना है, तो इसे अच्छे से लगभग 2 मिनट तक भुने और मिक्स को लगातार चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। यहाँ हमने तेल इसलिए डाला है कि बटर जले नहीं। कभी कभी पेन ज़्यादा हीट होने पर बटर जल जाता है। अब इसमें थोड़ा दूध डालें और विस्कर की हेल्प से अच्छे से विस्क करें। दूध को थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डालना है और विस्क करते हुए अच्छे से मिलाना है। सॉस की आइडियल कंसिस्टेंसी के लिए जितना ऑयल और बटर लिया है उतना ही मैदा लेना चाहिए। यहाँ पर 1 स्पून ऑयल और 2 स्पून बटर लिया है, तो आइडियली 3 स्पून मैदा होना चाहिए था, बट मुझे सॉस की थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी पसंद है तो मैंने 2 स्पून मैदा ही लिया है। 2 से 3 मिनट में लगभग इस तरह का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसे लगभग 1 मिनट और पकाएं। अब डालें 1/2 लीटर दूध और विस्कर की हेल्प से सबको कंटिन्यूसली मिलाते रहें ताकि एक लम्स फ्री सॉस तैयार हो जाए। इनिशियली जब आप दूध डालोगे तो लगेगा कि लम्स बन रहे हैं, पर लगातार इसको विस्क करने पर ये सारे लम्स खत्म हो जाएंगे और एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी, बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब डालें इसमें चीज़ और जो हमने मसालों का मिक्स तैयार किया था वो इसमें डालें। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। चीज़ डालने पर यह सॉस काफ़ी स्मूथ और चीज़ी हो जाता है। चीज़ की कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। फिर से बॉईल आने दें और फिर डालें सॉटे की हुई सब्जियां और बॉईल कॉर्न और हमारा उबला हुआ पास्ता। सबको अच्छे से मिक्स करके लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाएं। अगर आपको यहाँ सॉस की कंसिस्टेंसी सही नहीं लगे तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर सॉस ज़्यादा पतली हो तो थोड़ा चीज़ और डालें और 2 से 3 मिनट की जगह इसे 5 मिनट तक पका लें। सॉस थोड़ी थिक हो जाएगी। और अगर सॉस की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक है तो थोड़ा गर्म दूध डालकर कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ की बढ़िया रेसिपी है मेरी वेज लज़ानिया।
अगर चाहो तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। लो जी, हो गया डिलीशियस चीजी पास्ता तैयार। चलो कर लेते हैं फिर प्लेटिंग। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगली रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।